नमस्कार। आज की वीडियो में हम साधारण मापक किस प्रकार से बनाए जाते हैं उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मापक किसे कहते हैं, मापक कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से एक रेखा को समान भागों में बांटा जाता है, इसका अध्ययन किया था। आज हम एक एक इकाई का एक एक उदाहरण लेते हुए साधारण मापक बनाना सीखेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर RF 1:63,360 पर मील एवं फल्लांग पढ़ने के लिए साधारण मापक की रचना की करनी है। अब इसको किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा और किस प्रकार से इसको साधारण रेखीय मापक इसका तैयार किया जाएगा। साधारण मापक बनाने के लिए हमें मात्र दो लाइन की कैलकुलेशन गणना की आवश्यकता होती है और उसको स्पष्ट रूप से, जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है, प्रतिनिधि भिन्न 1:63,360 ये आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब इसको इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक मानचित्र की दूरी है और 63,360 धरातलीय दूरी है। इसकी गणना के लिए चूँकि मानचित्र पर 1 इंच, ये दोनों इंच में है, 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की दूरी बराबर 63,360 इंच, ये डबल जो है ये इंच का निशान है। तो या फिर हम जानते हैं कि एक मील में 63,360 इंच होते हैं, तो यहाँ पर हम इसको, या फिर हम इसमें नीचे देख सकते हैं, या एक मील यहाँ पर मानचित्र में 1 इंच प्रदर्शित करता है धरातल के 63,360 इंच या 1 मील को, इसमें भाग देकर हमने इसके मील बना दिए। इसलिए अब हम अध्ययन कर चुके हैं कि जब हम इंच वाला मानचित्र तैयार करते हैं या साधारण मापक बनाते हैं तो हम जो कागज की स्पेस है, वो लंबाई है, इस पर कागज पर रेखा की जो दूरी लेते हैं वो मैक्सिमम 6 इंच तक लेते हैं। वो कोई जरूरी नहीं है 6 ही रहे 5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मानचित्र पर 6 इंच का जो स्केल है दूरी प्रदर्शित करेगा, एक, क्योंकि 1 मील बना चुके हैं इसका, 1 × 6 = 6 मील। तो ये हमारी इस मापक की गणना हो चुकी है। यहाँ पर हमारे जो रेखा की लंबाई होगी जो 6 इंच होगी और उस 6 इंच पर हमें 6 मील प्रदर्शित करने होंगे। अब बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले स्केल की सहायता से हम 6 इंच रेखा की लंबाई लेंगे। 6 इंच रेखा की लंबाई लेने के बाद में हम उसको समान 6 इंच के उस पर समान भाग बनाएंगे। इस पुस्तक में जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये गलत दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो सब डिवीजन है उनके समान भाग, जैसे 0 से 1 की जो दूरी है वो 0 से 8 की है दूरी, आपको अधिक नज़र आ रही है। तो इसमें इस चीज़ को प्रिफेयर नहीं करूँ, हमें 6 इंच रेखा लेनी है और उस पर 1-1 इंच के हिसाब से आप स्केल से सहायता से उस पर 6 निशान लगाएंगे। 1 इंच पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 इंच के हम उसके समान भाग कर लेंगे और इस समान भाग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 1-1 इंच के उस पर निशान बने होते हैं स्केल पर, तो हमें डिवीजन करने में ना कोई न्यूनकोण विधि की आवश्यकता होगी और ना हमें लंब अर्धक लंब डालने की आवश्यकता होगी। तो हम उसको क्या करेंगे, उसके 6 भाग कर लेंगे और 6 भाग करने के बाद में सबसे पहला जो डिवीजन है उस पर हम 0 लिखेंगे, उसके बाद सेकंड डिवीजन पे 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये जो दूरी है ये हमारी मील में होगी और पीछे हम यहाँ पर मील लिख देंगे। मील लिखने के बाद में मील से छोटी इकाई होती है फल्लांग और 1 मील में होते हैं 8 फल्लांग। तो इसके लिए जो 1 इंच का इधर 0 से लेफ्ट साइड में जो हिस्सा बचा हुआ है उसमें हम चाहे तो उसके हम 4 भाग कर लें और चाहे 8 भाग कर सकते हैं। 4 भाग करते हैं तो 2, 4, 6, 8, और यदि 8 भाग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 ये क्या होगी फल्लांग, क्योंकि 1 मील में 8 फल्लांग होते हैं। तो बच्चों ये जो स्केल है हमारा पूरी तरह से, यहाँ पर हमने इसकी गणना की, गणना करने के बाद में हमारे 2 चीज़ प्राप्त हुई, रेखा की लंबाई और इस पर जो हमें प्रदर्शित करने हैं, रेखा की लंबाई हमारे पास में 6 इंच है
और 6 इंच में हमें 6 मील दिखाने हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए सर्वप्रथम हमें 6 इंच की रेखा लेनी होगी, उसके समान 6 भाग 1 इंच के करने होंगे और इसके बाद में उस पर मार्किंग करनी होगी। पहले डिवीजन पर 0 करेंगे, इसके बाद में 5 मील हो जाएंगे और सब डिवीजन में 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, तो उस 8 फरलांग को हमें या तो 1 से लेकर 8 तक या 2, 4, 6, 8 तक हमें और यहाँ पर फरलांग अंकित करनी होगी। ऊपर इस स्केल के ऊपर हमें एक फिर इसका जो आपको ब्लैक और वाइट का हिस्सा है तो इसको या तो 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा दीजिए और उसके हमने उतने ही भाग उसमें ऊपर कर दिए लाइनें खींच के, और उसमें एक ब्लैक करते हुए इसको सुंदर बनाने के लिए इस कार्य को किया जाता है ताकि हमारा वो स्पष्ट नज़र आए, सुंदर दिखे। बाकी आप यदि सीधी लाइनें खींच कर भी इसको बनाते हैं तो वो रेखीय मापक वो भी सही है, लेकिन इसको आकर्षक बनाने के लिए हम कुछ सेंटीमीटर 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर ऊपर दे देते हैं और उस प्रकार उसमें रंग भरकर इसको हम सुंदर बना देते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर हमें इसका हेडिंग लिखना होता है, जैसे यहाँ पर सिंपल स्केल लिखेंगे अंग्रेजी में या हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे साधारण मापक, उसके नीचे लिखेंगे RF या प्रतिनिधि भिन्न कितने पर यह बनाया गया है, नीचे इसकी इकाइयाँ होंगी, एक मेन इकाई और एक छोटी इकाई। तो इस प्रकार से हमारा ये 1:63,360 पर ये साधारण मापक बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको पिछले वीडियो में कि हमें कम से कम एक इकाई का एक उदाहरण करना चाहिए, जैसे हम इस इंच वाले उस पर चल रहे हैं तो इसी पर यदि हम इसे दूसरा स्केल लेंगे तो एक अगला जो RF होगा हमारा RF 1:7,920 पर एक साधारण मापक की रचना करो और उस पर फरलांग एवं गज अंकित कीजिए। तो उसके लिए हमें क्या, उसी प्रकार से चूंकि मानचित्र पर यहाँ पर आपका जो 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 इकाई होगी जो 7920 हो जाएगी गुना 820, तो चूंकि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के गुना 820 इंच या 1 फरलांग, क्योंकि 1 फरलांग में गुना 620 इंच होते हैं, इसलिए 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी 1 गुना 6 या 6 फरलांग। अब हमें बनाने के लिए वापस उस पर वही 6 इंच की रेखा की लंबाई देंगे, उसके समान 6 भाग करेंगे, यहाँ पर 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके फरलांग हो जाएंगे और 1 फरलांग में होते हैं 220 गज। अब उस 220 गज के लिए या तो आप उसके 10 कीजिए और 22 का पहाड़ा उसमें लिखते जाइए, या फिर आप उसके 5 भाग कीजिए 44, 88, इस प्रकार से आप उसको 220 तक आप उस पर मार्किंग कीजिए और यहाँ पर आ जाएगा आपका गज, यहाँ पर आ जाएगा आपका फरलांग, फरलांग और गज, और ये जो आपका स्केल तैयार होगा वो आपका RF 1:7920 पर तैयार होगा, वही आपको 1 इंच प्रदर्शित करता है 7920 इंच या 1 फरलांग। इसलिए 6 इंच की दूरी आप 5 इंच की कर सकते हैं तो आपको 5 फरलांग आ जाएगा, 6 इंच लेते हो तो 6 फरलांग आ जाएगा और 1 फरलांग में 220 गज होते हैं। तो इसी 0 से इधर वाले पार्ट में आपको 220 लिखने हैं, आप यदि 10 टुकड़े करते हैं तो 22 का पहाड़ा आप पूरा लिख दीजिए इसमें 220 तक चला जाएगा, और यदि आप 5 करते हैं तो 44, 88, इस प्रकार से आप उसको 220 तक इस पर मार्किंग करेंगे, यहाँ पर आप फरलांग लिखेंगे और यहाँ पर आप गज लिखेंगे। इसके बाद में आप अगला उदाहरण लेते हैं कि आपको ये आपका फरलांग गज होगा। अब आता है गज और फिट, जिससे नेक्स्ट इकाई होती है हम गज और फिट, तो आपका जो RF होगा RF 1:36 ये होगा आपका 36, कि RF 1:36 पर गज फिट पढ़ने के लिए एक साधारण मापक की रचना करो। कैलकुलेशन के लिए चूंकि मानचित्र पर 1 इंच प्रदर्शित करते हैं धरातल की दूरी बराबर 36 इंच या 1 गज, क्योंकि 1 गज में 36 इंच होते हैं, इसलिए 6 इंच की दूरी या 5 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी 1 गुना 6 या 1 गुना 5 बराबर 5 गज या 6 गज, जो भी आप उसको जितनी दूरी लेंगे वो गज की दूरी आ जाएगी। अब इसके बाद में पुनः वही आपको इंच वाले उस पर आपको 6 इंच की रेखा की लंबाई देंगे, उसके समान 6 भाग करेंगे और उस पर आप 0 से लेकर आप 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आपके गज होंगे और 1 गज में होते हैं आपके 3 फिट, 1 गज में आपके 3 फिट, तो उसके हम इसमें करेंगे
एक दो तीन, इसके तीन भाग करेंगे तो गज में तीन, एक दो तीन, यहाँ पर आप फिट लिखेंगे, यहाँ पर आप गज लिखेंगे, यहाँ पर आप उसका हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग के लिए आपको स्टेंसिल जिसमें प्लास्टिक की बनी होती है उसमें ए बी सी डी कटे होते हैं, तो उसको आप सिंपल स्केल लिखेंगे, फिर उसका आर एफ लिखेंगे, और आर एफ लिखने के बाद में ये आपका ये तो हो गया फिट, और यहाँ पर आपका गज आ जाएगा। तो ये आपकी तीसरी सीट, इसी उस पर इंच वाले स्केल पर आपकी पहली गिर फल्लांग, फिर फल्लांग गज और गज फिट। अब इसके बाद में अगला जो उदाहरण आता है इसी इकाई में, इंच वाली इकाई में, जैसे मान लीजिए आपका आपको आर एफ मिला है 1:12, 1:12 पर फिट और इंच पढ़ने के लिए एक साधारण मापक की रचना करो। तो उसी प्रकार से क्योंकि एक इंच मानचित्र की दूरी प्रदर्शित करती है बराबर आपके 12 इंच या एक फिट को, इसलिए 6 इंच प्रदर्शित करेंगे तो ये आपके फिट हो जाएंगे, 1 × 6 या 6 फिट को। अब इसके बाद में उसमें 12 आपके 6 इंच की रेखा की लंबाई लेंगे, उसके सब भाग करेंगे, और इसी प्रकार से यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4 यहाँ पर फिट लिखेंगे, और एक फिट में 12 इंच होते हैं, तो इसको यहाँ पे 6 भाग कीजिए या 12 भाग कीजिए, और उसमें आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 आप उसमें लिख जाइए, और या फिर आप उसमें 1 से लेकर 12 इंच तक, तो यहाँ पर आपके फिट होंगे और यहाँ पर ये आपके इंच होंगे। तो इस इकाई में हम ऊपर से चले मीन से लेकर आपके वापस इंच पर पहुँच गए हैं, सबसे बड़ी इकाई इंच वाली में मील और सबसे छोटी इकाई आपकी इंच आ गई। तो टोटल हम एक एक उदाहरण लेते हुए प्रत्येक इकाई का कम से कम एक सीट हम बनाएंगे, सीट के ऊपर हम जो हेडिंग है वो स्टेंसिल से लिखेंगे, स्टेंसिल बाजार में 5 से 10 रुपये में मिलती है, जिसमें आपके अंग्रेजी में और अक्षर कटे होते हैं, उसमें आप पेंसिल घुमाएंगे तो आपका जो सुंदर हेडिंग लिखा जा सकेगा। तो ये आपका साधारण मापक में इंच वाली इकाई पर सभी उदाहरणों पर हमने चर्चा कर दी है। अब आता है आपका सेंटीमीटर वाली इकाई पर, जैसे इसमें उदाहरण 2 दे रखा है कि इसमें भी आर एफ 1:500 पर मीटर और डेसीमीटर पढ़ने के लिए साधारण मापक की रचना कीजिए। अब यहाँ पर उसी प्रकार से चूंकि ये आपके सेंटीमीटर है और उसमें इंच थे, तो ये भी आपके सेंटीमीटर होंगे, इसलिए चूंकि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, ये आपकी मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है और ये धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करता है, धरातल की दूरी बराबर 500 सेंटीमीटर या 5 मीटर, हमने इसमें 100 का भाग दे दिया, इसके हमने मीटर बना दिए कि हमें मीटर और डेसीमीटर पढ़ने हैं, तो इसलिए हमने इसमें भाग दे दिया, ये आ गए आपके 5 मीटर। इसकी जगह आपका यदि 100 होता तो ये आपका 1 मीटर बन जाता। इसलिए हम जब सेंटीमीटर वाला स्केल लेते हैं तो उसमें आमतौर पर 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर की रेखा की लंबाई लेते हैं, उसमें हम 6 इंच हम जानते हैं कि जो आपका जो सिंपल जो स्केल है जो ज्योमेट्री बॉक्स में छोटा वाला स्केल रहता है उसकी जो लंबाई एक साइड उसमें 6 इंच रहते हैं और दूसरी साइड उसमें 15 सेंटीमीटर रहते हैं, और पेपर की साइज भी हमारे जो नोटबुक है उसमें इतनी रहती है, और हम इसमें 15 सेंटीमीटर या 6 इंच का स्केल ही हम मानचित्र पर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 15 सेंटीमीटर की रेखा की लंबाई दी, तो इसको 5 × 15 या 75 मीटर हो गए। अब हमें दो चीज़ें प्राप्त हो गई, यहाँ पर रेखा की लंबाई हमारी 15 सेंटीमीटर होगी और उस 15 सेंटीमीटर में हमें 75 मीटर दर्शाने होंगे। फिर हमें रचना करने के लिए हमें सबसे पहले 15 सेंटीमीटर रेखा की लंबाई लेनी होगी, और क्योंकि यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी है तो इसमें हमने मात्र 5 भाग किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 समान भाग कर दिए, पहला भाग आपका 0 का हो गया, और इसके बाद में क्योंकि हमने 75 को दिखाना है 5 जगह किए हैं तो हमने उसमें 15 15 से, तो ये आपका 15 30 45 60 60 ये मीटर हो गए, और 1 मीटर में आपके होते हैं 10 डेसीमीटर, तो यहाँ पर 15 मीटर में आपके 150 डेसीमीटर हो गए, और इसको भी हमने आपका 30 के हिसाब से 30 60 90 120 30 पर जो 150, तो ये हमारी जो उससे मीटर से छोटी इकाई होगी डेसीमीटर, 15 मीटर में 150 डेसीमीटर होंगे, तो हमें यहाँ पर 150 डेसीमीटर आ गए और इधर आपके 60 मीटर, तो
ये आपका यहाँ पर इस पर ये इसमें भी मिस्टेक कर रखा है। देखिए कुछ किताबों में स्प्रिंट भी है, यहाँ प्रतिनिधि भी एक नहीं है, एक अनुपात 500 है जबकि। तो इन चीज़ों पर आप किताब को भी वो नहीं है आपको कि क्या लिख रखा है एकदम उस हिसाब से, तो ये आ रहा है इस पर गलत प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका एक अनुपात 500 होगा। ऊपर आप इसका लिखेंगे साधारण मापक स्टेंसिल से या सिंपल स्केल लिखेंगे, और इसके बाद में ये आपकी मीटर और डेसीमीटर की मार्किंग होगी। तो ये आपका मीटर डेसीमीटर का हुआ। अब यहाँ पर अगला उदाहरण आ रहा है किलोमीटर वाला कि आरएफ एक अनुपात 1,00,000 पर किलोमीटर और हेक्टोमीटर, इसकी जगह 50,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, इकाई कुछ भी, आरएफ कुछ भी होगी, लेकिन कैलकुलेशन की विधि वही होगी। आरएफ एक अनुपात 1,00,000 पर किलोमीटर हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए साधारण मापक की रचना करो। उसी प्रकार से चूंकि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 1,00,000 सेंटीमीटर, या फिर हमने उसमें 1,00,000 का भाग दे दिया इसके किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये बन गया आपका 1 किलोमीटर। अब जो रेखा की लंबाई है वो आप क्या लेना चाह रहे हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पर 5 लिख रखा है और जो कि 15 बाय 75 होते हैं, तो पुस्तक पर ध्यान, यहाँ पर 1 × 15 = 15 किलोमीटर। यदि आप इस पर नोट्स पर बुक पर आपकी नज़र है तो कुछ मिसप्रिंट है, मैं आपको क्लियर भी करता जा रहा हूँ, तो इसलिए 15 किलोमीटर। अब हमारी जो रेखा की लंबाई होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी, और उस 15 सेंटीमीटर में आपके 15 किलोमीटर हमें दर्शाने होंगे। यहाँ पर उदाहरण में आपको ये सामने अपने 15 सेंटीमीटर की रेखा की लंबाई दी, और ये देने के बाद में हमने उसके या तो 15 टुकड़े करने हैं, और 15 नहीं करने हैं तो आप उसके 5 कर दीजिए, तो आपके 3-3 किलोमीटर का आ जाएगा उसमें, जैसे इस डायग्राम में आपको 3-3 किलोमीटर के किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका 0 से 3, 6, 9, 12 ये हो गए किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 10 हेक्टोमीटर, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर में आपके हो गए 30 हेक्टोमीटर, तो 6, 12, 18, 24, 30 ये हो गए आपके हेक्टोमीटर। किलोमीटर से छोटी इकाई होती है हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 10 हेक्टोमीटर, तो यहाँ पर हमने 10 हेक्टोमीटर प्रदर्शित कर दिए। अब यदि हम आगे इसी क्रम में आगे उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 1:10,000 पर आपको हेक्टोमीटर और डेकामीटर पढ़ने हो, यहाँ पर 1,00,000 नहीं होकर यहाँ पर है आपके 10,000, तो चूंकि एक मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कर देगी धरातल के 10,000 सेंटीमीटर या 1 हेक्टोमीटर को, इसलिए 15 या 14 सेंटीमीटर की रेखा की दूरी प्रदर्शित करेगी आपके 1 × 15 सेंटीमीटर, इसलिए आपके 15 हेक्टोमीटर। अब इसमें भी हमें क्या करना है कि 15 सेंटीमीटर रेखा की लंबाई लेनी है, उसके 1-1 सेंटीमीटर के हमें टुकड़े करने हैं, और टुकड़े करने के बाद में पहला आपका 0 और 1 से लेकर इस साइड में आपके आ जाएंगे 14 हेक्टोमीटर, और 1 हेक्टोमीटर में होते हैं 10 डेकामीटर, इसलिए यहाँ पर आपके या तो 5 कीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 आपके 10 हेक्टोमीटर हो जाएंगे, सॉरी डेकामीटर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा हेक्टोमीटर डेकामीटर वाला स्केल भी 1:10,000 पर तैयार हो सकता है, और उसमें ऊपर हम यहाँ पर आप सिंपल स्केल लिखेंगे स्टेंसिल से, उसके नीचे उसका आरएफ लिखेंगे, और आरएफ के बाद में अब ये जो दूरी है ऊपर से नहीं, इसको हम 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसको सुंदर बनाने के लिए इस पर लाइनिंग करके एक ओबले के वाइट ताकि सुंदर दिखे, इस कार्य के लिए हम इसको सुंदर आकर्षक बना सकते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में हम आगे उदाहरण लेते हैं डेकामीटर मीटर कि 1:1,000 आप डेकामीटर और मीटर पढ़ने के लिए साधारण मापक की रचना करो। यहाँ पर आरएफ आपका हो जाएगा 1:1,000, कैलकुलेशन आपकी होगी चूंकि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातलीय दूरी बराबर 1,000 सेंटीमीटर या 1 डेकामीटर, हमें उसमें 1,000 में 1,000 का भाग दे दिया उसको डेकामीटर बना दिए, तो हमारी 1 डेकामीटर वो बनकर तैयार हो। इसलिए 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर जो भी आप लेना चाहें, 12 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं कि दूरी प्रदर्शित करेगी, 1 × 15 तो 15 आपका डेकामीटर हो गए। अब आपके पास में 15 सेंटीमीटर है और 15 डेकामीटर उसमें, उसी प्रकार से हम 15 सेंटीमीटर रेखा की लंबाई लेंगे, उसके 1-1 सेंटीमीटर के हम 15 टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करने के बाद में पहला जो डिवीजन 0 से लेकर आप 14 आपका डेकामीटर हो जाएंगे, और 1 डेकामीटर में होते हैं 10 मीटर, तो
सेकंड जो भाग है, पांच भाग कीजिए या दस कीजिए तो वो आपके हो जाएंगे मीटर, 10 मीटर, इधर 10 मीटर हो जाएंगे और इधर आपके डे का मीटर हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया डे का मीटर और मीटर का। इसी क्रम में आगे हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मीटर और डेसी मीटर का आप ऊपर उदाहरण देख चुके हैं, यहाँ पर मीटर और डेसी मीटर का, इसमें एक की जगह 500 की जगह हम 100 लेंगे, तो यहाँ पर आपका जो स्केल है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो जाएगा, इसलिए 15 सेंटीमीटर बराबर 15 मीटर। तो 15 मीटर को हम 15 से 1 सेंटीमीटर डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद में हम पुनः उधर मीटर और डेसी मीटर का स्केल बनाकर तैयार कर देंगे। इसके बाद में यदि डेसी मीटर और सेंटीमीटर का बनाना हो तो इसमें आपका आर एफ 1:10:20 हो सकता है, कि आर एफ 1:10 पर आपने डेसी मीटर और सेंटीमीटर बनाने हैं। तो उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है बराबर 10 सेंटीमीटर या 1 डेसी मीटर, इसलिए 15 करेंगे, उसमें आपको डेसी मीटर को के बना देंगे, तो 1 डेसी मीटर बराबर 1 × 15 या 15 डेसी मीटर। बनाने के लिए वापस 15 सेंटीमीटर रेखा की लंबाई लीजिए, उसके 15 भाग कीजिए और वो करने के बाद 0 से लेकर यहाँ तो आप आ जाएंगे 14 डेसी मीटर, और 1 डेसी मीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपकी जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने दोनों इकाइयों के, इंच वाली इकाई के भी हमने मील से लेकर इंच तक हमारे सारे उदाहरणों की 1 इंच बनानी है, और सेंटीमीटर वाले स्केल की भी हमें किलोमीटर से लेकर हमने सेंटीमीटर तक एक एक उदाहरण देते हुए, उदाहरण आपका आरएफ कुछ भी हो सकता है, आरएफ दूसरा हो सकता है, परीक्षा में भी कोई भी आरएफ आ सकता है, लेकिन जो तरीका है दो लाइन की आपकी कैलकुलेशन है और उस कैलकुलेशन करने के बाद में हमें किस प्रकार से उसे रेखीय मापक में पटरी की सहायता से बनाना है, ये सारी सीटें आपको एक एक उदाहरण लेते हुए और इस वीडियो को देखते हुए हमें तैयार करनी है। सर्वप्रथम हमें जो कार्य है पेंसिल से करना है, क्योंकि इंक वर्क होने के बाद में उसको हम हटा नहीं सकते, उसमें कोई गलती भी होती है तो उसमें हटाने का या उसको शुद्ध करने के पूरे चांस रहते हैं। डिवीजन आपके बराबर होंगे, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, यहाँ पर यदि आप इसमें गलती करते हैं तो इनके सब जो सावधानी रखनी है कि हमें जो जितने भाग करने हैं वो समान करने हैं, उसमें बिल्कुल भी एक एक डेसी माइल का भी अंतर हमें नज़र नहीं आना चाहिए, और वर्क आपको पेंसिल से करना है। इसके बाद में हेडिंग जो आपको लिखने हैं सीट के ऊपर, उसका मैं PDF भी डाल दूंगा कि किस प्रकार से एक साधारण मापक कैसे बनाया जाएगा, वो उसका जो सीट की वो PDF है वो भी आपको मैं बीच बीच में डालता रहूँगा, हो सकता है, लेकिन प्रत्येक उदाहरण का हमें एक सीट तैयार करेंगे तो ही हमारा, हम कम से कम मान लीजिए किलोमीटर हेक्टोमीटर आपने पढ़ा है और मान लीजिए डेकामीटर मीटर का आ गया, तो फिर आपने ये उदाहरण किया नहीं, ये क्या कौन से है, इसलिए हमें हर एक इकाई का एक उदाहरण देते हुए ये सीटें कंप्लीट करनी होंगी। तो आज के वीडियो में हमने साधारण मापक की सभी उदाहरणों पर चर्चा की, इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।